एवरीवन, दिस इज मी साविया हियर और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी चार्म्स रीडिंग। इसमें हम जानेंगे कि कौन है वो स्पेसिफिक समवन चार्म्स के थ्रू जो आप में इंटरेस्टेड है, जिसको आप पे क्रश है। सो अगर आप ये रीडिंग देखने में इंटरेस्टेड हो सो यू आर वेलकम हियर और लेट्स डाइव इनटू द रीड। बट यस, जस्ट बी माइंडफुल कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो फिर कॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी भी शॉर्ट करो ताकि आपका भी टारगेट नहीं हो और मेरा भी। सो कौन है ये स्पेसिफिक समवन जिसको आप पे क्रश है? लेट्स फाइंड आउट कौन है ये स्पेसिफिक समवन जिसको आप पे क्रश है। ओके, पहले कार्ड देख लेते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है, टू बी ऑनेस्ट। जो भी स्पेसिफिक समवन है जिसको आप पे क्रश है, गुड लुकिंग है, बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी है, ये बहुत ज़्यादा फ्लर्टेशियस भी हो सकता है। हो सकता है कि इसको आपके साथ साथ और भी लोगों के ऊपर क्रश हो। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इसके पास ऑप्शंस बहुत हैं टू बी ऑनेस्ट। प्रॉब्ली ये एक ऐसा पर्सन है जो कि सबकी ड्रीम हो सकता है, सबकी डिज़ायर हो सकता है, चाहे लड़का है या लड़की। सो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है। अल्फाबेट्स में अगर हम बात करें तो ए आर एम, आई डोंट नो, मेरे अरमान नाम आ रहा है मेरे माइंड में, आई डोंट नो इफ दैट्स यू नो अ पर्सन और नॉट आपके लिए, बट ये पर्सन आर्मी में हो सकता है। वाओ, आर्मी में मैंने बोला है कि वाई है साथ। ओके, सो पर्सन आर्मी मेंबर हो सकता है अपने से कुछ लोगों के लिए। बड़ा चार्मिंग होगा ये पर्सन और मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए, हाँ ओके, मैं वर्ड नहीं बोलना चाहती बट आई होप यू कुड अंडरस्टैंड। जो एक ठगी पर्सन को बोलते हैं ना कि बहुत ही डैश है, वो पर्सन हो सकता है ये पर्सन आप में से कुछ लोगों के लिए। बट यस, ये पर्सन को आप पे क्रश है। ये पर्सन का नाम जी से भी हो सकता है। ये अल्फाबेट्स हैं एच ए आर एम वाई जी, ये इसके नाम अल्फाबेट्स हो सकते हैं, आपके नाम अल्फाबेट्स हो सकते हैं, एफ भी है। सो हो सकता है इस इंसान का फार्म हो, आई डोंट नो व्हाई बट आई एम पिकिंग अप दैट एनर्जी विद द फार्म। अच्छा, एक और चीज़ हो सकता है, फैमिली पर्सन भी हो सकता है। हो सकता है फैमिली के सामने बिल्कुल ही चिल्ड आउट किस्म का इंसान है, बहुत ही सीधा साधा, बट अदरवाइज दे आर नॉट लाइक दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि ऐसे किसी स्पेसिफिक समवन को आप पे क्रश है। ये पर्सन का नाम अगेन, वी डू हैव अनदर एम, तो एम से नाम हो सकता है इस इंसान का। अरमान नाम हो सकता है, फरमान नाम हो सकता है, कोई और नाम हो सकता है, लड़कियों में भी कोई भी नाम हो सकता है, फरी हो सकता है, आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। आई एम जस्ट टेलिंग यू लाइक एच एफ ए आर एम एम वाई जी, सो ये अल्फाबेट्स हो सकते हैं आपके पर्सन के नाम में। Let's see, और क्या जान सकते हैं हम। अगस्त का महीना काफी सिग्निफिकेंट है, या तो ये अगस्त बॉर्न है या फिर मार्च बॉर्न है या फिर जून बॉर्न है या फिर फेब्रुअरी बॉर्न है। सो एट नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, थ्री नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, सिक्स नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, टू नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, और हो सकता है कि 8362 उसके फोन नंबर में आता हो ये नंबर, या फिर ये इसकी गाड़ी का नंबर हो सकता है और समथिंग लाइक दैट। बट ये मंथ्स और ये नंबर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं इस इंसान को लेकर जो जिसको आप पे क्रश है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे फ्लर्टेशियस लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट। ये जो भी पर्सन है बहुत ज़्यादा फ्लर्टेशियस है, स्लो मूविंग है, फ्लर्टेशियस है, लेकिन अगर जब ये पर्सन सच में किसी को दिल देगा तो ये बहुत ज़्यादा सिंसियर भी रहेगा। सो इट्स मोर लाइक कि एक ऐसा पर्सन है जो कि अपने ऑप्शंस को टाइटन अप नहीं करना चाहता किसी को कमिटमेंट देकर, लेकिन एट द सेम टाइम अगर जब इसका दिल आ जाए किसी पे फॉर रियल, लाइक अभी तो जैसे लग रहा है ना कि उसको आप पे क्रश है, लेकिन अगर उसको लगा कि हाँ शी और ही इज द वन, तो उसके बाद ये रुक जाएगा, उसी कनेक्शन पे रुक जाएगा। सो दिल का साफ है पर्सन, ड्रामेबाजी इसको नहीं आती। अगर ये फ्लर्टेशियस है तो सबके सामने फ्लर्टेशियस है। ये पर्सन बहुत जीनियस किस्म का इंसान हो सकता है, इसको म्यूजिक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वांटेड है, डिज़ायर्ड है लोगों में, और इसके बहुत ज़्यादा फैंस होंगे। अगर आप सोशल मीडिया की बात करो, इसके फैंस फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा होंगे और ये बहुत ज़्यादा एक्टिव भी होगा सोशल मीडिया वगैरह पे।
ये पर्सन जैसे मैंने पहले कहा, इफ एंड वेन दे लव ट्रूली डीपली मैडली, तो इस तरह का इंसान है. बट फिलहाल मुझे यू नो इट्स मोर लाइक दे हैव अ क्रश ऑन यू, बट ऐसा नहीं है कि ये आपसे प्यार करते हैं या इनके दिल में आपके लिए कुछ स्ट्रांग स्ट्रांग से है, डिजायर है. ये पर्सन हो सकता है दे लव ट्रैवलिंग, हो सकता है ट्रैवल भी करते हो बैक एंड फोर्थ, यू नो आते जाते रहते हो कहीं ना कहीं. सो ऐसा भी पॉसिबल है. ये पर्सन जो है बहुत ज्यादा यू नो ब्लेस्ड लग रहा है. मुझे लगता है इसके साथ डिवाइन की ब्लेसिंग्स रहेंगी और हैं भी. पर्सन फाइनेंशियल यू नो रिच और स्टेबल भी हो सकता है, तभी शायद ट्रैवल इतना ज्यादा करते हैं. बिजनेस के लिए कर रहे हो सकते हैं या वर्क रिलेटेड या फैमिली ट्रैवल्स हो सकते हैं. बट यस दिस पर्सन ट्रैवल्स अ लॉट और इनके साथ बहुत ज्यादा डिवाइन ब्लेसिंग्स है. ये पर्सन जो है वाटर साइन हो सकता है. ये पर्सन फायर साइन हो सकता है. ये पर्सन एक्वेरियस हो सकता है, पाइसिस एवीज हो सकता है, लियो हो सकता है, और क्या मुझे लगता है कि पर्सन हमेशा यू नो जैसे आपके जहन पे ये पर्सन है ना, जैसे आपको यू नो इस इंसान पे क्रश है, ऐसे ही हो सकता है आपको भी इस पे क्रश हो वैसे, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये तो वो पर्सन है जिसको आप पे क्रश है. लेकिन हो सकता है कि आप पे भी आपको भी इस इंसान के ऊपर क्रश हो सकता है. यू नो हु वी आर टॉकिंग अबाउट. लेकिन ये जो भी पर्सन है लग रहा है विद दिस कार्ड हियर, ऐसा लग रहा है कि आपके माइंड पे भी ये पर्सन रहता है. यू नो प्रॉब्ली यू ऑल्सो हैव अ क्रश ऑन देम, या ये पर्सन कि माइंड में हमेशा आप रहते हो, आपके आसपास है ये पर्सन. लेट्स फाइंड आउट, लेट्स फाइंड आउट कि कहाँ है ये पर्सन और why do they have a crush on you? क्या चीज़ उनको आपकी अच्छी लगती है? कहाँ है ये पर्सन? कहाँ you know who this person is and where they are? एक सेकेंड, लेट मी पिक द कार्ड अप. सो वी डू हैव ये पर्सन बहुत ज्यादा रिच डेफिनेटली है. मुझे लगता है कि पर्सन चैरिटी डोनेशंस वगैरह इस तरह की चीजें भी करता रहता है. और ये पर्सन कंप्लीटली नया पर्सन है जो कि आप जिसको आप ऐसे जानते नहीं हो, ऐसा ऐसे आप इससे यू नो बातचीत नहीं करते हो. सो दिस कैन बी समबडी हु इज वॉचिंग यू ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा एक्टिव है. हु इज दिस पर्सन? और ये अपने रिलेशनशिप से बहुत जल्दी मूव ऑन करते हैं. दिस इज नॉट समबडी जो कि यू नो एक रिलेशनशिप में स्टिक रहेंगे. लेकिन अगेन दिस इज हाउ दे आर, यू नो ऐसा नहीं है कि छुप के ऐसा कर रहे हैं, ये ऐसे ही हैं. और ये पर्सन हो सकता है आपको यू नो दिस पर्सन हैज अ पेट एज वेल. मुझे लग रहा है कि बहुत लॉयल किस्म का इंसान होगा, इफ एंड वेन दे वॉन्ट टू गेट लॉयल. फिलहाल जब ये लॉयल नहीं है तो ये वो भी बताकर ही है कि आई एम नॉट लॉयल और आई डोंट हैव ओनली यू, तो उस तरह का पर्सन है ये. चांसेस हैं कि ये पर्सन आपको अप्रोच करे सोशल मीडिया के थ्रू, बहुत ज्यादा चांसेस हैं. और ये पर्सन आपको स्टॉक करता है, देखता है आपको दूर से. बट मुझे लग रहा है कि पर्सन सोशल मीडिया पे है कोई. ये दिस इज नॉट समबडी दैट यू नो और पर्सनली जिससे आप मिले हो. यस ये पर्सन आपको दूर से देख रहा है. ये पर्सन दे वॉन्ट टू हग यू, दे वॉन्ट टू होल्ड यू. ये आपकी 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 पोस्ट वगैरह सोशल मीडिया पे चेक करता है, उसको लगता है कि हाँ यू 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 आर समबडी गुड और यू नो स्टफ लाइक दैट. बट आपको अप्रोच नहीं किया है इस इंसान ने. सो दिस इज गोना बी अ न्यू बिगिनिंग जब ये पर्सन आपको अप्रोच करता है. बट दिस पर्सन हैज अ क्रश ऑन यू फॉर श्योर. सो या ये रीडिंग आप लोगों की, अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. चल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए. टेक केयर एंड बाय.